हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा कैसे हो आप सब आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे सो फ्रेंड्स एमसीक्यूज़ ऑन करेंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ फाइनली आपके एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना है ऑल राइट एंड इस सीरीज़ में मैंने आपको कहा था कि हंड्रेड लेक्चर्स हम करेंगे हंड्रेड लेक्चर्स अभी भी करेंगे इसको होल्ड इसीलिए किया था ताकि हमें पता चल जाए एक आइडिया लग जाए कि कब एग्जाम होना उसके हिसाब से हम अपने करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे और राइट सो दिस इज़ न लेक्चर नंबर थर्टीन अभी तक हम बारह लेक्चर देख चुके हैं वो रेलिवेंट रहेंगे सारे के सारे क्योंकि उसमें जनवरी के करंट अफेयर्स आपके कवर किए थे हमने इस लेक्चर नंबर थर्टीन में हम जो है आपके फेब के ट्वेंटी ट्वेंटी वन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और ईपीएफओ के अलावा अगर आप बाकी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो सीडीएस का एनडीए का सीएपीएफ का या ऑल स्टेट सर्विसेज़ वगैरह का भी तो वो उसमें भी आपको यूज़फुल रहेगा ओके तो एम सी क्यू कोर्सेज़ आपके ये अवेलेबल हैं आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए एम सी क्यू कोर्सेजेज़ आपको ईजिली मिल जाएंगे वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट शिक्षा डॉट कॉम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है आप वहाँ जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉन वीडियो एम सी क्यू कोर्सेज हैं फॉर सपोर्ट यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन वट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन पर या फिर आप मेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर ओके okay? चलिए तो फ्रेंड्स प्रोसेस वही रहेगा टेन क्वेश्चन हम देखेंगे इस लेक्चर में एक e एक करके आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपने पहले खुद से उसको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करना है क्वेश्चन को देखने के बाद एंड फिर फाइनली आंसर करना है सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे फेबर के मंथ में जब बजट आपका आता है उस समय आपका आ, उसी टाइम पे अराउंड इकोनॉमिक सर्वे भी आता है तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि इंडिया का पहला इकोनॉमिक सर्वे नाइनटीन फिफ्टी में प्रेजेंट किया गया था तो ईयर पता होना चाहिए तभी इसको आंसर कर सकते हैं दूसरा कहता है कि इकोनॉमिक सर्वे पहले बजट का ही पार्ट था इसको बजट से डीलिंग किया गया 1964 से और उसके बाद से इसको सेपरेटली रिलीज किया जाता है ठीक है तो ऐसा होता था या नहीं होता था ये आपको पता होना चाहिए और अगर होता था तो क्या 1964 में ही डिसकंटिन्यू किया गया थर्ड इसको प्रिपेयर करने का काम है इकोनॉमिक डिवीज़न का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के तो ये भी एक फैक्ट है कि कौन इसको प्रिपेयर करता है ठीक है आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है करेक्ट इनकरेक्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए कहता है वन ओनली बी कहता है टू ओनली सी इज़ वन एंड टू ओनली एंड डी इज वन टू एंड थ्री तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है चलिए तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नाइनटीन फिफ्टी फिफ्टी वन में आया तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन टू नहीं है मैं उसको काट देता हूँ वन नहीं है काट देते हैं सेकेंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है पहले बजट का पार्ट होता था उसके बाद इसको डीलिंग किया गया नाइनटीन सिक्सटी फोर में तो सेकंड भी ठीक है तो आपका ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता अब या तो सी होगा या डी होगा तो डिपेंड करेगा कि थर्ड स्टेटमेंट सही है या गलत है तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं करता ये तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा ओके एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसका तो पहला बजट नाइनटीन फिफ्टी करेक्ट है यूनियन बजट के साथ पेश किया जाता था इसको नाइनटीन में लेकिन इसको चेंज कर दिया गया और अब इसको सेपरेटली रिलीज किया जाता है

Alright, और ये ओवरऑल किसकी गाइडेंस के अंडर प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की वही इसको साइन भी करता है ओके इकोनॉमिक सर्वे जो है है इसको नॉर्मली हर साल पेश किया जाता है और इसको बजट पेश करने के एक दिन पहले पेश किया जाता है नॉर्मली हॉल राइट सो ये कुछ फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है ग्रीन टेक्स जिसको न्यूज में रिसेंटली देखा गया इसका क्या मतलब है ऑप्शन ए एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा फॉसिल फ्यूल प्राइसेस पर यानी कि जो आप पेट्रोल पंप वगैरह से पेट्रोल भरवाने जाते हो उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा ताकि सी टू एमिशन को कम किया जा सके ऑप्शन बी कहता है कि माइनर्स से जहाँ पर माइनिंग वगैरह का काम होता है वहाँ पर इसको कलेक्ट किया जाएगा ताकि जो माइनिंग में लेबर इन्वॉल्व है उनकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जा सके थर्ड थर्ड इज कि एक एडिशनल टैक्स है जो uh, बेसिकली लोगों पे लगाया जाएगा उनको डिस्करेज करने के लिए ताकि वो पल्यूटिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल ना करें उनको स्क्रैप कर दें ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी अब देख देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है पहले खुद से ट्राई करेंगे या तो अगर आपने पढ़ा है ग्रीन टैक्स के बारे में न्यूज़ में तभी आप इसको आंसर कर सकते हो नहीं तो आंसर करना ये मुश्किल आपके लिए हो जाएगा ठीक है आंसर इस केस में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी एडिशनल टैक्स है जो सरकार अब लगाने की बात कर रही है लोगों के ऊपर ताकि जो एक लाइफ स्पैन के बाद वो व्हीकल को यूज़ ना करें देखिए हर व्हीकल का एक लाइफ होता है अगर आप उस लाइफ के बाद उसको यूज़ कर रहे हैं तो पोल्यूशन कैपेसिटी जो है वो उस व्हीकल की बढ़ती जाती है ठीक है जी न्यूज़ में क्यों था क्योंकि अभी नितिन गडकरी भाई साहब जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि हमने भैया ग्रीन टैक्स जो है उसको अप्रूवल अब दे दिया है ओके सो इसमें बेसिकली होगा क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल फिटनेस सर्टिफिकेशन रेन्यूअल अगर किसी भी व्हीकल को अपना कराना है ठीक है किसी कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो ट्रक वगैरह है उनको अगर कराना है तो उनको 10 से 25 परसेंट जो है एडिशनल ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस लेवल और ये कितना टाइम बाद होगा आठ साल बाद तो कोई भी अगर कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल आठ साल पुरानी हो जाती है तो उसको दस से पच्चीस जो है एडिशनल ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा जब उसका फिटनेस सर्टिफिकेशन रिन्यूअल होगा आफ्टर एट ईयर्स पर्सनल व्हीकल के केस में जैसे आपके पास कार मोटरसाइकिल वगैरह जो होगी जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो उसके केस में जो ग्रीन टैक्स होगा दैट विल बी कलेक्टेड आफ्टर 15 ईयर्स तो ये 8 ईयर और 15 ईयर्स वाला फैक्ट आपने जो है याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है ओके okay, अब ये जो ग्रीन uh, टैक्स वाली चीज़ें हैं ये किसके ऊपर नहीं लगेंगी तो कुछ व्हीकल्स को इससे एग्जैम्प्ट भी रखा गया है जो ट्रैक्टर्स हैं हार्वेस्टर्स हैं या जो टिलर्स हैं जो फार्म्स में यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में यूज होते हैं है, या जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं हाइब्रिड व्हीकल्स क्या होते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ई व्हीकल प्लस फ्यूल यानी कि पेट्रोल दोनों उनके अंदर डलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इससे बाहर निकला गया है इथेनॉल वालों को भी बाहर रखा गया है एलपीजी के ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं उनको भी बाहर रखा गया है और सीएनजी वाली जो गाड़ियां हैं उनको भी बाहर रखा गया है ठीक है तो ये एग्जैम्शन का भी आपको आइडिया एक होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली वो ये चीज़ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है चलो ओके okay. उसके बाद लोअर ग्रीन टैक्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर लगाया जाएगा जो बसेज वगैरह सरकारी बसें चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनके ऊपर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा ओके अ हायर एडिशनल 50 परसेंट ऑफ रोड टैक्स इज प्रपोज फॉर व्हीकल्स इन हाईली पोल्यूटेड सिटीज जहां पर हाईली पोल्यूटेड सिटीज है जैसे कानपुर वगैरह जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वहां पर जो रोड टैक्स है वो एडिशनल फिफ्टी परसेंट लगाया जाएगा ओके एज वेल एज डिफरेंशिएटेड टैक्स बेस्ड ऑन फ्यूल एंड व्हीकल टाइप फ्यूल एंड व्हीकल टाइप भी उसके अंदर देखेंगे जैसे जो डीजल व्हीकल है वो ज्यादा पोल्यूटिंग होती है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देंगे ठीक है और जो पेट्रोल वाला व्हीकल होगा उसके ऊपर कम लगाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो गाड़ियाँ होंगी हर सरकारी विभाग में सरकार की गाड़ियाँ होती हैं या पब्लिक सेक्टर की जो गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर जिस्टर्ड एंड स्क्रैप तो इस पर तो सीधा सीधा सरकार ने यह बोल दिया कि अगर सरकारी गाड़ी पंद्रह साल से पुरानी होगी तो आपको उसको डी रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर उसको स्क्रैप करना पड़ेगा ओके okay? और ये जो सारा ग्रीन टेक्स होगा ये एक फंड में रखा जाएगा ऑल राइट right. और बेसिकली इस पैसे से स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प किया जाएगा कि वो कैसे पोल्यूशन से टैकल कर सके तो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी ओके okay? और स्टेट गवर्नमेंट को पॉलिसी मिनिस्ट्री ने अप्रूवल कर दिया है तो स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से बोला है कि हाँ भैया बताओ तुम्हारा क्या इसके ऊपर व्यू है और पॉलिसी जो है ये एक अप्रैल दो से एनफोर्समेंट में आ जाएगी ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्या एनफोर्समेंट में आ चुका है या कोई सरकार ने टाइम पीरियड रखा है इसके एनफोर्समेंट में आने के लिए तो टाइम पीरियड रखा है दैट इज अप्रैल क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन एंड वो भी आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे करने का तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि करेक्ट तो करेक्ट वाला मेरे को पहले ही बता दिया गया है कि मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स तो पहला क्या कहता है कि ये जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है इसको क्रिएट किया गया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स जो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स हैं उनके लिए क्रिएट किया गया है और ये किसके ऊपर बेस्ड है ये इंडेक्स किसके ऊपर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ठीक है तो दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर पता होनी चाहिए इस पॉइंट में कि यह क्या ये इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स के लिए स्पेसिफिकली दूसरा कि इसको प्रिपेयर किसने किया है ये किसके डाटा के ऊपर जो है बिल्डअप किया गया है दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस इंडेक्स के हिसाब से द एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज हैज इम्प्रूव्ड इम्प्रूव किया है एक्सेस सिग्निफिकेंटली फॉर द पुअरेस्ट हाउस होल्ड जो सबसे गरीब घर थे सबसे गरीब परिवार थे उनके केस में बेसिक नेसेसिटीज ने इम्प्रूव किया है है एज कंपेयर टू रिच ठीक तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ए वन ओनली टू ओनली बोथ नीदर ओके इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन वाला तो नहीं बचता है केस ज्यादा अगर आपको आता है तभी आप ये आंसर कर सकते right. so, हो राइट सो क्या आंसर होगा इस केस में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके खुद से पहले आपने करने की जरूर कोशिश करनी है ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पॉज करना है और आपने देखना है कि कितने आपके सही हुए कितने गलत हुए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलो सो so, आंसर इस केस में क्या होगा आंसर होगा आपका ऑप्शन बी टू ओनली टू ओनली विल बी द करेक्ट आंसर पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव के बेसिस पर नहीं है इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स के लिए क्रिएट किया गया है दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट ओके एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं सो इंडेक्स बेसिकली क्या करेगा एसेस करेगा इक्विटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग स्टेट्स ऑल राइट और इंडेक्स जो है 26 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है फाइव इसमें ओवरऑल डायमेंशन हैं। वो टाइम बेसिक नेसेसिटीज के डायमेंशन कौन से कौन से हैं वॉटर सैनिटेशन हाउसिंग माइक्रो एनवायरमेंट और अदर फैसिलिटीज तो इन डायमेंशन के ऊपर आपके जो है छब्बीस इंडिकेटर रखे गए हैं जो इक्विटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट्स में देखेंगे और ये जो इंडेक्स है ये सारी स्टेट्स के लिए क्रिएट किया गया है आई एम सॉरी यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट गलत यहां पर ये बताया कि ये जो है वीकर स्टेट्स के लिए क्रिएट किया गया स्पेसिफिकली नो दिस हैज बीन क्रिएटेड फॉर ऑल स्टेट्स राइट सो right. so, इसको सारी स्टेट्स के लिए क्रिएट किया गया है और डाटा जो है वो कौन सा यूज किया गया है जो नेशनल स्टेटिस्टिकल था दो हजार निकाला था 2012 और 2018 के ओके इंडेक्स क्लासिफाइज एरिया ऑन थ्री लेवल्स ऑफ एक्सेस हाई मीडियम एंड लो टू बेयर नेसेसिटीज ओके हाई मीडियम एंड लो टू बेयर में तीन कैटेगरीज uh, में इसमें स्टेट्स को रखा गया है ओके okay? और एक पॉइंट जो आपका ऑब्जर्वेशन हमने uh, आपके क्वेश्चन में ही देखी है वो क्या है कि जो अरेस्ट हाउस होल्ड्स थे उन्होंने ज्यादा इंप्रूव किया है एज कंपेयर टू रिच हाउस होल्ड तो यह भी एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है पेपर में पूछ सकता है चलिए फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले और थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे द इंडेक्स एज अ रेंज ऑफ जीरो टू वन वेर वन रिप्रेजेंट द बेस्ट एक्सेस टू देश नेटीज तो जीरो टू वन ये इंडेक्स रेंज भी आपको पता होना चाहिए इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू बेसिक नेसेसिटीज एज डिक्लाइन सो जो राज्यों के बीच में गैप था डिस्पैरिटी था डिफरेंसेस था वो कम हुआ है 2018 में अगर हम 2012 से कंपेयर करें केरला पंजाब हरियाणा और गुजरात ये टॉप स्टेट्स हैं इंडेक्स के अंदर और अगर मैं लोएस्ट पोजीशन की बात करूं तो उसमें आपके ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स जैसे उड़ीसा झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा ये सबसे आगे आते हैं ठीक है तो लोएस्ट और टॉप आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए टॉप में आप केरला याद कर लो और लोएस्ट में आप जो है उड़ीसा याद कर लो ठीक है चलो ओके नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन करंट अफेयर डिराइब क्वेश्चन है लेकिन आप इसको हिस्ट्री में भी जो है रख सकते हैं अपने ओके सो हिस्ट्री प्लस सी ए आपका ये क्वेश्चन हो जाता है लाला लाजपत राय से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट आपको कहता है गिव मी अ मिनट गाइस ओके okay. तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ही वॉज इलेक्टेड एज द डेप्यूटी लीडर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है 1926 में तो क्या वो कभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में डेप्यूटी लीडर बने दूसरा इन्होंने होम रूल लीग फाउंड की होम रूल लीग ऑफ अमेरिका ठीक है होम रूल लीग ऑफ अमेरिका कहाँ फाउंड की न्यूयॉर्क आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन टू बोथ नन

के आइडियल्स को कंबाइन करने में ये बिलीव रखते थे ठीक है और इनका ये मानना था कि अगर हम इन दोनों आइडियल्स को एक साथ जोड़ देंगे तो अल्टीमेटली इंडिया के एक अच्छा सेक्युलर स्टेट बन पाएगा हिंदू महासभा की फाउंडेशन में भी इनका काफी बड़ा रोल था और अनटचेबिलिटी के खिलाफ हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई है होम रूल लीग ऑफ अमेरिका उन्नीस सौ सतारह में इन्होंने न्यूयॉर्क में बनाई ठीक है अब कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि होम रूल लीग की अगर मैं बात करता हूँ जो इंडिया में बनी थी आपके लखनऊ सेशन के बाद उसमें मेरे पास दो नाम आ जाते हैं एक मेरे पास आ जाता है लोकमान्य तिलक का एक नाम आता है मेरे पास लोकमान्य तिलक का और दूसरा नाम आता है मेरे पास एनी बेसेंट का ठीक है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग तो ये रूल लीग जो इंडिया में बनाई गई थी यहाँ पर रूल लीग ऑफ अमेरिका स्पेसिफिकली बात हो रही है तो वो न्यूयॉर्क में 1917 में लाला लाजपत राय ने बताई बनाई थी तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर बनाई थी वो भी आपको पता होना चाहिए और चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूँ लाला लाजपत राय की आगे सो नाइनटीन ट्वेंटी में इन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पेश किया था असेंबली के अंदर जिसमें इन्होंने कहा कि साइनमन कमीशन के साथ हम बिल्कुल कॉपरेट नहीं करेंगे क्योंकि कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है इसके अलावा हिंदू रिलीफ मूवमेंट एटीन में इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी ताकि ये जो फार्मर्स हैं जिनको फेमाइन की वजह से अकाल की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको हेल्प किया जा सके और राइट और क्योंकि ये जो फार्मर्स थे इनके पास मिशनरीज पहुंच जाती थी क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंच जाती थी और वो प्रमोट करती थी कि वो अपना रिलीजन जो है क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर ले और उसके बदले में उनकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ठीक है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है सोसाइटी है और इसको किसने फाउंड किया था जीके गोखले ने ठीक है तो इस चीज में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है ओके ये सिंपल सिंपल सी चीजों में ही कई बार बच्चे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स ऑप्शन ए शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑप्शन सी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑप्शन डी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन सार्क तो इनमें से किसने आपका एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स को रिलीज किया है तो फैक्चुअल क्वेश्चन है अगर पढ़ा होगा तो ये आंसर कर सकते हैं एंड द आंसर विल बी ऑप्शन बी इसमें आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है आ जाता है यूपीएससी के पेपर में एक आधा इस तरह से रिपोर्ट के ऊपर या इंडेक्स के ऊपर किसने रिलीज किया क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट जरूर करके चलना ठीक है जी चलो तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स की बात करूं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया है 11 हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर इसने जो है इंडेक्स मेजरमेंट देता है ओके और ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान इंडिया, इंडिया इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर साउथ कोरिया ताइवान थाईलैंड एंड न्यूजीलैंड को बेसिकली इस इंडेक्स में देखा गया है इंडिया का इंडेक्स जो है जो रैंक करता है कंट्रीज को बेसिकली वो किस बेसिस पे कर रहा है कि पर्सनलाइज हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है ओके okay? क्या राइट केयर राइट पर्सन को राइट right टाइम के ऊपर मिल रही है उन सब पैरामीटर्स के ऊपर ये जो इंडेक्स है वो आकलन करता है ओके okay? उसके अलावा ट्वेंटी डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जिनको माना गया है कि ये वाइटल साइंस हैं किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस uh, को दिखाने के लिए इसमें पॉलिसी कंटेक्स हेल्थ इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज टेक्नोलॉजी हेल्थ सर्विसेज सब कुछ आ जाता है सिंगापुर को इस इंडेक्स ने टॉप पर रखा है और इंडिया का जो रैंक है वो दसवां है तो अपना तो रैंक खराब है काफी और टॉप सिंगापुर का है तो ये रैंक भी आपको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है चलिए नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया थोड़ा सा आपके करंट में जो साइंस का पार्ट रहता है उससे आपके लिए क्वेश्चन आया सीधा सीधा तो न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इजीली बता पाएंगे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन है दे यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ जिनको रेडियो ट्रेसर कहा जाता है दैट आर टिपिकली इंजेक्टेड द ब्लड स्ट्रीम इनहेल्ड और स्वेलोड ठीक है या तो आप ये रेडियो एक्टिव मटीरियल को इनहेल करते हो या ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन के साथ लगाया जाता है या फिर आप इसको गोली की तरह स्वेलो कर लेते हो दूसरा हाइपर थार थायरय कैंसर एंड बोन पेन फ्रॉम सम टाइप्स ऑफ कैंसर आर फ्यू डिजीजेस ट्रीटेड बाय न्यूक्लियर मेडिसिन तो न्यूक्लियर मेडिसिन से आप ये सारे डिजीजेस जो है वो ट्रीट कर सकते हैं आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन ए इज सेइंग वन ओनली बी इज सेइंग सेइंग टू ओनली सी इज बोथ वन एंड टू एंड डी इज सेइंग वन नर टू तो so आपको करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन में आपने बताना है ऑलराइट right. सीधा सा क्वेश्चन है पढ़ा होगा तो आंसर कर सकते हो आंसर विल बी ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं ठीक है जी तो न्यूक्लियर मेडिसिन ये न्यूज़ में था हिंदू का जो आप देखते हो जो साइंस सेक्शन आता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था जो आपका वीक डेज के वीके, वीकेंड्स के ऊपर जनरली आता है ऑल राइट right. सो so, न्यूक्लियर मेडिसिन में बेसिकली क्या है ये मेडिसिन जो होती है इसमें रेडियो ट्रेसर्स होते हैं अब ये रेडियो ट्रेसर क्या करते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके ट्रेवल करेंगे ओके जिस भी एरिया को डॉक्टर एग्जामिन करना चाहता है उस एरिया में ये जाएंगे और ये गामा रेज की फॉर्म में वहां पर एनर्जी पहुंचाएंगे ओके okay? नाउ गामा रेज जो होती हैं दे आर डिटेक्टेड बाय स्पेशल कैमरा और कंप्यूटर और वो फिर उस कैमरा और कंप्यूटर से इमेजेस क्रिएट की जाएंगी आपके बॉडी के अंदर की ठीक है अब ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन के थ्रू इमेजेस आपके अंदर की बॉडी की बन रही हैं आप कहोगे सर इसके लिए तो पहले भी एक्सरे सी टी स्कैन वगैरह होता था लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेडिसिन से आपके अंदर की इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी यूनिक क्योंकि जो आपके बाकी के इमेजिंग प्रोसीजर्स हैं उसमें इतनी एक्यूरेट इमेज और इतनी क्लियर इमेजेस आपकी नहीं फॉर्म हो पाती जितनी आपकी ये न्यूक्लियर मेडिसिन के वजह से इमेजेस फॉर्म होंगी और राइट एंड रिसेंटली न्यूज में क्यों था क्योंकि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उन्होंने ये डिज़ाइन इवॉल्व किया है कंट्री का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो एक रिसर्च रिएक्टर जो है वो बनाएंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर मेडिसन राइट इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अगर गूगल करके उसके चक्करों में पड़ोगे तो फंस जाओगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व बेस्ड क्वेश्चन हो गया तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है वंस अगेन पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में सदर्न रीजन में है वेस्टर्न घाट्स के लायन टेल्ड मकाऊ नीलगिरी तार और ग्रेट मालाबार हॉर्नबिल जो है ये मिलते हैं इस रिजर्व में ये अभी न्यूज में था आपका जो पेरिया टाइगर रिजर्व है इट वाज इन न्यूज़ इन द मंथ ऑफ फेबर इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ठीक है तो ये मत सोचना कि सर ये जोग्रफी बेस्ड क्वेश्चन क्यों पूछ लिया आपने ये हमारे उसके अंदर तो आएगा नहीं अपना क्या कहते हो आप लोग उसको ई ठीक है तो ऐसा नहीं है एक मिनट रुको इसको थोड़ा क्लियर करने दो All right. चलो ठीक है लाइन टेल्ड मका नीलगिरी तार और ग्रेट मलावीर हॉर्नबिल मिलते हैं इस रिजर्व में और ये जो रिजर्व है यहां पर आपको कुछ ट्राइबल ग्रुप्स भी मिलेंगे जैसे गोंड मराती और नयकादा आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है पहले दो दूसरा तीसरा या तीनों देखो अब अगर जैसे आपको जरा सा भी आइडिया होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन टू तो मैं कह दूंगा करेक्ट है तो जिसमें टू नहीं है पहले तो मैं उसको एलिमिनेट uh, करता हूँ ठीक है ऑप्शन वन भी मुझे ठीक लग रहा है ठीक है ना तो यहाँ से मैं ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ ऑप्शन थ्री जो है वो गलत है ठीक है तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑल सो पेरिया टाइगर रिजर्व क्यों था न्यूज़ में क्योंकि पहली बार कंट्री के अंदर जो पेरिया टाइगर रिजर्व है केरला का वो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज ले रहा है फॉर टाइगर कब तो इसमें बेसिकली ये टाइगर के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे कब्ज होते हैं इनको ट्रेन किया जाएगा नेचुरल हंटिंग में कि कैसे वो जंगल के इन्वायरमेंट में अपने आ, जो उनका टारगेट है उसको हंट कर सकते हैं ऑल राइट right. तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था और ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये इदुकी और पथानी मिथा जो है केरला में डिस्ट्रिक्ट जो सदरन वेस्टर्न घाट का पार्ट है वहां पर आपके आता है और इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1950 में और 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था पेरियार टाइगर रिजर्व इसका नाम कहाँ से पड़ा क्योंकि वहाँ पर पेरियार रिवर है उसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जहाँ जो रिजर्व से पास थ्रू करती हैं उनमें से एक आपकी मल्लेयर रिवर भी है ओके फोना की अगर मैं बात करूं तो एनिमल्स जैसे टाइगर एलिफेंट लायन टेल्ड मकाऊ नीलगिरी तारिया सब मिलेंगे बर्ड्स की अगर मैं बात करूं डाटर्स कॉमरोड्स किंगफ़िशर मालाबार हिल हॉर्नबिल रैकेट टेल ड्रग्नोज ये सब वहाँ पर मिलते हैं लिजर्ड्स पाइथन किंग कोबरा ऑल राइट right, ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत सारी मिलती हैं आपके पीरियड टाइगर रिजर्व के अंदर और जैसे कि मन्नास पलिया मलियार्ज माला पंडर उलादंस ये सब मिलते हैं लेकिन जो आपको ऑप्शन में गिवन थे गोंद मराती और नए कदा

तो ये एक रिपोर्ट रिलीज की थी आपकी लॉई इंस्टीट्यूट ने तो इंडिया का इसमें रैंक क्या था फैक्चुअल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है चलो तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रैंक एट्टी सिक्स था इंडिया का राइट सो right, so, इंडिया का स्कोर ट्वेंटी था और 86 रैंक आया हमारा 98 कंट्रीज में उससे पता चलता है कि हमारे हमने जो सिचुएशन को टैकल किया उसमें हमारा हाल थोड़ा बुरा ही था टॉप पे आ जाता है आपका न्यूजीलैंड जैसे न्यूजीलैंड जैसे आप देश देखो ये दो साल से बंदी पड़े हैं इन्होंने अपने आप को खोला ही नहीं ठीक है तो इसी वजह से रिस्पॉन्स केसेस uh, भी आपको इन कंट्रीज में सुनने को इसी रीजन uh, की वजह से मिलते नहीं है तो टॉपर आपने याद कर लेना और इंडिया का रैंक याद कर लेना सफिशेंट है चलिए नाइन्थ क्वेश्चन आप देखेंगे uh, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड इन इट्स वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर 2020 को उसने वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बोला है फॉर टूरिज्म तो कौन रिलीज uh, करता है इस रिपोर्ट को जनरली ऐसे क्वेश्चन पे बच्चे ईजीली जो है गेस uh, कर लेते हैं गेस करके आप बी ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दोगे लेकिन बाकी uh, तीन ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है टूरिज्म से रिलेटेड है ठीक है तो ऐसे आप तुक्का लगाओगे तो बाय चांस आपका ठीक भी हो जाए पर चांसेस ये हैं कि आपका गलत भी हो जाए इस केस में आपका आंसर होता है ऑप्शन डी यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ओके उ राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग विध रिस्पेक्ट टू नेशनल ई विधान असेंबली नेवा डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रही है नेवा स्कीम को दूसरा क्या कहता है ऑटोमेशन ऑफ इंटायर लोम मेकिंग प्रोसेस इसमें किया जाएगा जैसे जो भी डिसीजन हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी सब असेंबलीज होती हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं विधानसभाएँ हैं पार्लियामेंट है इंडिया का वहां पर सब कुछ डिजिटलाइज बेसिकली किया जाएगा तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताने हैं देखो अब जनरली अगर अगर मेरे मन में डाउट आए मैं स्टूडेंट तो दूसरा स्टेटमेंट तो मैं कह दूंगा कि हाँ यार अगर ई विधान असेंबली कुछ है तो वो ऑटोमेशन ही हो रहा होगा एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस का तो दूसरा तो जनरल सा स्टेटमेंट है वो मेरे को पता है कि ठीक है मेरे को दिक्कत कहाँ पे आएगी कि इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है अब कई बार जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं या नहीं पढ़ा होता है वो जब गेस्ट वर्क की बात आती है तो डिजिटल इंडिया को वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करके फटाफट से आंसर इसका सी कर देते हैं पर इस केस में आंसर आपका सी नहीं होगा इस केस में आंसर आपका होगा ऑप्शन बी टू ओनली क्योंकि जो ये स्कीम है नेवा नेशनल ई विधान असेंबली ये इंप्लीमेंट कौन कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कर रही है ठीक है तो अगर आप आंसर देखो मिशन मोड पर है जिसमें जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इसको इंक्लूड किया गया लेकिन इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ़ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होगी ऑल राइट और फंडिंग जो नेवा की की जाएगी वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वे में की जाएगी सो सिक्सटी टू फोर्टी के रेशियो में जो है पैसा इस पर खर्चा जाएगा साठ पैसे जो है वो स्टेट सेंटर देगा चालीस पैसे स्टेट देगा लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिली स्टेट्स के, के केस में नब्बे रेशियो दस है ठीक है क्योंकि वहाँ पर स्टेट्स का इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉग नहीं होती तो 90 परसेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और यूनियन टेरिटरी तो होती ही सेंट्रल की टेरिटरी है तो 100 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का ही रहेगा और टेक्निकल सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड करेगी पर मेन इंप्लीमेंटेशन आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास ही रहती है ओके okay? चलिए सो ऑल राइट गाइस यहाँ पर हमारा ये पर्टिकुलर लेक्चर खत्म हो जाता है एंड मल्टीपल लेक्चर्स अब आपके फ्लो में आते रहेंगे एज एग्जाम की डेट हमारे सामने आ चुकी है ओके सो आई होप यू इंजॉयड द लेक्चर चैनल को जरूर शेयर कीजिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिए लाइक like कीजिए सब्सक्राइबर्स जो है वो अगर आपने नहीं किया हुआ इसको तो सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय